और अगर मोदी जी मंगल सूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगल सूत्र को गिरवी रखती है, बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी, तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी, तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए, उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? मणिपुर में एक जवान की बीवी को वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया, मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले, उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने? अगर इस देश की महिलाओं के मंगलसूत्र की परवाह होती तो उनके बेटों को आप रोजगार दिलवाते, तो महंगाई कम करते, छात्रों को शिक्षा की सुविधा देते, देश की बेटियों को अपने पैरों पे खड़े होने का काम कराते। देश हैरानी से देख रहा है, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आप यहाँ बैठी हैं, मैं जानती हूँ यहाँ से जाएंगी, देर हो रही है, काफी महिलाएं चली भी गई हैं, क्योंकि घर जाना है, काम करना है, बहुत देर हो गई है, खाना पकाना है, लोगों को देखना है, चाहे आप जॉब कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, इतनी महंगाई है, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, तमाम बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, आपने मेहनत से पढ़ाया, शिक्षा दिलवाई, इतनी बड़ी समस्याएं हैं और इतनी छोटी छोटी स्तर की बातें हो रही हैं। सारे नेता भाजपा के आपके सामने आकर ऐसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं दिन रात, सोचते हैं कि आप देखेंगे नहीं, आप पढ़ेंगे नहीं कि कौन सी पार्टी क्या कह रही है, क्या हो रहा है आपके आंखों के सामने।